हाईवे स्थित श्री राधा टाउन में रहने वाले लोग सोसाइटी को लेकर आमने सामने नजर आए। इसके पीछे 2 साल लंबी पारदर्शिता बनाम पक्षपात की लड़ाई नजर आई। लोगों ने बताया कि 2 साल पूर्व कुछ लोगों ने बगैर किसी बैठक के चुपचाप मनमानी समिति तैयार कर पंजीकृत कराना चाहा, जिसका वहां के निवासियों ने विरोध किया। यही विरोध दो पक्षों में तबलियत हो गया। अंतर्गत एक पक्ष द्वारा कॉलोनी में चुनाव के पर्चे बांटकर प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसमें दूसरे पक्ष द्वारा चुनाव हेतु डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश की प्रति चुनाव पर्यवेक्षक व अधिकारी के रूप में दूसरे पक्ष का कोई व्यक्ति शामिल न किए जाने एवं जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र एवं अति को सूचना की झूठी खबर प्रकाशित करने, उसको प्रति सार्वजनिक करने, वोटर लिस्ट का प्रकाशन एवं चुनाव दूसरे पक्ष को सूचना दिए बगैर घर बैठे लिखकर जैसे आरोप लगाए वही दूसरे पति से पूछ रही पर वहां उपस्थित लोग उक्त सवालों के जवाब देने के नाम पर दूसरी तरह के आरोप लगाते नजर आए और कोई भी प्रत्येक हमारे रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं कर सके। इससे शब्द दूसरे पक्ष में चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आप यह सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं? मैं कुछ नहीं हूं सर, मैं तो पदाधिकारी हूं। के हाउस होल्डर हूं। सर एक मिनट में जरा अभी आ रहा हूँ। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका शुभ नाम? हरिशंकर। आप यहाँ फाउंडर अध्यक्ष हैं, ये जो हमारी बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपने जो यहाँ जिस समय आपने सोसाइटी के दौरान आपने जो यहाँ पर कार्रवाई की, तो नियमावली कोई ऐसी है आपके पास? मैंने बताया अभी, आप जैसे इन्होंने बताया जी, वहाँ पर वो रजिस्टर सब रजिस्टर ऑफिस में आगरा में है और वो उनके यहाँ उसमें मोहर लग के एक दो दिन में आ जाएगी। अच्छा, आप अभी तक तो आप वर्किंग में हैं, जब तक चुनाव ना आए, बॉडी ना आए, तो क्या आपने जो असंतुष्ट लोग हैं आपके सदस्य, उनको संतुष्ट कैसे करेंगे आप? कैसे आज तक प्रयास किया आपने? आप किसको करेंगे असंतुष्ट? जैसे आप बता रहे हैं जो भी है, होना नहीं चाहता कोई आदमी जिसको ये है कि मैं हूँ मैं, उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। आप मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, जहाँ आदमी को ये मैं सब कुछ हूँ, मैंने यहाँ विकास किया है, मेरी कॉलोनी है ये, उसको कोई नहीं कर सकता। मैं करूंगा वही होगा। जहां मैं आ गई या हम कहते हैं हम सब लोग हम बच्चे से उठा लो, अगर मैं जो है उसमें ऑब्जेक्शन कर जाऊं तो आप जो दंड देना चाहें वो दंड दे। मतलब कहने का ये है कि जब निष्पक्ष, अगर ईश्वर में भरोसा है, ईश्वर में भरोसा है, सब में है। हाँ। लेकिन ये है कि जब बहुमत मुझे मालूम है कि मेरा बहुमत नहीं है मेरे पास में, अब मुझे बताइए ये इलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन हो रहा है या नॉमिनेशन? ये हमारे आपके ऊपर है, तीन में से हम क्या करें? मुझे चाहिए तीन में से क्या है? नॉमिनेशन, अगर माहौल सही रखना है, अगर माहौल सही रखना है, ये मुझे बताइए। आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग पक्ष में चुनाव के, में ऐसी स्थिति में आप लास्ट बार मुझे बताइए, चुनाव अगर आपके एक घंटे तक आज मैंने व्हाट्सएप पे आपके अनुरूप चुनाव नहीं होता है और कमेटी चुन जाती, तो आप हम लोग बहिष्कार करेंगे चुनाव का? अगर हमें नहीं चाहिए पैसा, बिल्डर से कोई मतलब नहीं, हमें चाहते कॉलोनी का विकास और कॉलोनी के विकास की। जहाँ तक आपने इनसे पूछा, वोटर लिस्ट तैयार है, मैं आप इनका जवाब दे रहा हूँ इनका। दूसरी बात यह है, जब तीन आदमी हमने घोषित कर दिए मीटिंग में, मीटिंग करके, और उसके बाद में आप आए कि भाई इसमें ये इम्प्लीमेंटेड कर दीजिए आप इसमें, कल को तो कोई ये आएगा अरे नहीं ऐसा इलेक्शन नहीं होगा, आप इस तरीके से नहीं होगा वैसे होगा, तो भैया वैसे ही कर लो। फिर हम किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर? हमारा कोई काम नहीं है? हमारा भी कोई काम है? नहीं हरिशंकर जी, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन देखिए सुनिए, अगर आप पास्ट में जाना चाहते हैं जी, हमने इतना कोशिश करी समझौता करने की, लेकिन आज कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। सिर्फ पूरे जो पूरी कॉलोनी में 4 आदमी छोड़ करके ऐसा कोई नहीं था कि जो तैयार नहीं था। 8 आदमी चाह रहा था रजिस्ट्रेशन हो, सब कुछ चाह रहे थे, लेकिन 4 आदमी सबसे पहले एक बार बताइए, मैं हम लोगों ने फॉर्म भी जमा नहीं किया उससे पहले, ऑब्जेक्शन क्यों लग गया जब सोसाइटी का वहाँ पे लेटर ही जमा नहीं हुआ? आप 1 महीने पहले 15 दिन पहले आप जमा करें, इसका मतलब इंटेंशन आप बताइए क्या हो सकता है? हमें बनने नहीं देनी है, आपको रोकना है सिर्फ। क्यों रोकनी है? विरोध पैदा करना है। अच्छा आइए बताइए आप क्यों रोकेंगे? रोकने के कई कारण होते हैं, अगर मुझे सोसाइटी बनने से नुकसान है तो मैं रोकूंगा, या मुझे जो लाभ जो मिल रहा है वो बाद में नहीं मिलेगा, मैं इसलिए मैं सोसाइटी नहीं बनने दूंगा। और लोगों का टेंडेंसी यहाँ पर यही है किसी तरीके से इलेक्शन ना हो, इसीलिए हमने ये 3 आदमी। अच्छा इनमें से ये खुद बता दें, जो 4 आदमी या 6 आदमी है,
कि ये क्या न्यूट्रल आदमी नहीं है तीनों? नहीं, ये पहले मेरी बात सुन लीजिए, क्या ये न्यूट्रल नहीं है? इनको कोई संदेश किया जा रहा है? ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रल है इसमें। हम भी अभी तक इनसे ये नहीं पूछा कितने मेंबर फार्म भरा, कितने ले गए कितने नहीं ले गए, ये आप पूछ लीजिए। मंदिर पर बैठे हुए हैं हम लोग, ये लोग बार बार पूछ रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर क्या कर्म नहीं हुआ है? मंदिर में पुजारी यहाँ पर थे, किसी को बुला के ला के एक गुंडे को ला के यहाँ पे पुजारी बना के बैठा दिया बगैर किसी पब्लिक के पूछे हुए। तो ये क्या है, मोनोपोली है क्या है? किसी भी टाउन राधा टाउन के किसी आदमी से पूछा इन्होंने? आरोप लगाने का तो लगा, मैं आप मेरे ऊपर लगा सकते हैं, मैं आपके 25 कमी निकाल सकता हूँ। क्या आपने ये कंठी क्यों पहन रखी है? आपने ये क्यों लगा रखा है? लाल शर्ट क्यों पहन रखी है? और जब अपनी बात कहनी होती है तो कह दी, दूसरे की सुननी हो मशीन निकाल दी, खत्म हो गया। अब आप जो है भाई जी